हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17.4.1 के नए अपडेट में। अगर आप सभी ने इन फीचर्स को नहीं डिसेबल और इनेबल किया तो आपको इन फीचर्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि डे टू डे रूटीन में हम कुछ ऐसे टास्क करते रहते हैं अपने डिवाइस में, जिसके साथ क्या होता है कि अपना जो डिवाइस है वो कई बार हमें स्लो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बढ़िया बैटरी बैकअप भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ एसेंशियल टिप्स जो हैं वो शेयर करने वाला हूँ 17.4.1 के नए स्टेबल अपडेट में, जो कि आपको ऑन या ऑफ करनी है। कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि आपको डे टू डे रूटीन में भी यूज़ करनी है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपके डिवाइस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइज बिना किसी देरी से आज के इस वीडियो को। सो गाइज, सबसे पहले बात आ जाती है एप्लीकेशंस की। अगर आप अपने ऐप स्विचर में से कुछ इस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को किल करते हो, यानी कि क्लियर करते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एप्पल है वो आपके ऐप स्विचर में जब आप एप्लीकेशंस को लेकर जाते हो तो बैकग्राउंड में आपकी एप्लीकेशंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखता है, ऑप्टिमाइज करके रखता है। जब आप मान लो कि आपने इन एप्लीकेशंस को यहाँ से क्लियर कर दिया है, मैंने फ़ोन कॉल की एप्लीकेशन को क्लियर किया, अभी अब मैं फिर से इसे ओपन करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेती है लोडिंग करते करते। अगर मैं फिर से म्यूज़िक को ओपन करूँगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले जाती है। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ ऐसे ही अपने डिवाइस को और फिर मैंने इसे ओपन किया, अब मैं इसको ओपन करूँगा तो उसी टाइम के ऊपर ये ओपन हो जाती है। आपको इसमें कोई भी लैगिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपकी जो एप्लीकेशन है डिवाइस की वो लोडिंग प्रोवाइड करेगी आपको। इसीलिए आपको कभी भी अपने ऐप स्विचर में से अपनी एप्लीकेशंस को किल नहीं करना चाहिए, कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में ही ओपन रहने देनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कुछ ऐसी सेटिंग्स की जो कि आपको ऑन या ऑफ करनी है। तो गाइज, यहाँ पर आपको ट्रैकिंग की ऑप्शन को ऑफ करना है। तो ट्रैकिंग की ऑप्शन आपको सेटिंग्स में प्राइवेसी सिक्योरिटी पे जाने पर देखने को मिलेगी, ये है ट्रैकिंग का ऑप्शन। इस ऑप्शन को अगर आपने अलाउ करा है तो इसको अभी के अभी ऑफ कर दें, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपकी एप्लीकेशंस को ट्रैक करता रहता है और काफ़ी बैटरी को ये यूज़ करता रहता है बैकग्राउंड में। थर्ड नंबर के ऊपर बात आती है लो पावर मोड की। लो पावर मोड हमें कब यूज़ करना चाहिए? सो गाइज, लो पावर मोड जो है वो आपके डिवाइस में कुछ ऐसी सेटिंग्स को ऑफ कर देता है, जैसे कि वाईफाई को ऑफ कर देगा और साथ में ब्राइटनेस को भी कम कर देगा, और कुछ हिडन सेटिंग्स होती हैं आपके डिवाइस में उनको भी ये डिसेबल कर देता है, ताकि आपको बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल सके। तो लो पावर मोड आपको उस कंडीशन के ऊपर यूज़ करना चाहिए जब आपके पास 5% या 10% बैटरी लेवल जो है वो बचा हुआ होगा, उस टाइम के ऊपर आपको लो पावर मोड को यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका डिवाइस जो है वो उस टाइम के ऊपर आपको और भी बढ़िया बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सके। सो गाइस, फोर्थ नंबर पे आपको अपने एप्लीकेशंस को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। जब कोई नया अपडेट एप्पल लॉन्च करता है तो उसी के साथ साथ नए नए अपडेट्स भी एप्लीकेशंस के आते रहते हैं, इसीलिए जो एप्लीकेशंस आप डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हो उनको आपने अप टू डेट रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस को अपडेट करता हूँ जो कि मैं डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उन्हीं एप्लीकेशंस को अपडेट करें जो कि आप यूज़ करते हो। इसके साथ क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशंस में कोई भी लैगिंग और क्रैशिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे आपको, जब आप इन एप्लीकेशंस को यूज़ करोगे अपनी डे टू डे रूटीन में। फिफ्थ नंबर के ऊपर आपको पता है कि एयर ड्रॉप में एप्पल ने एक नई एनिमेशन यानी कि नेम ड्रॉप का फीचर एड ऑन करा है। ये जो फीचर है दो डिवाइसेस को नज़दीक लाने पर इनेबल हो जाता है, जिसके साथ आपके डिवाइस में क्या होता है कि एनिमेशन रन होती है। एनिमेशन रन होगी तो आपका डिवाइस काफ़ी बैटरी को भी खर्च करेगा, इसीलिए इस ऑप्शन को आपको ऑफ ही रखना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली भी कोई यूज़ कर सकता है। अगर वो चोर होगा कोई, अगर आपका डिवाइस जो है उसके नज़दीक होगा तो वो आपके कॉन्टैक्ट कार्ड्स को शेयर कर सकता है इजीली एक आईफोन से दूसरे आईफोन पे, इसलिए इस ऑप्शन को ऑफ ही रखें। अगर आपको यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद तुरंत इस ऑप्शन को ऑफ कर देना चाहिए। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर जनरल पे जाना है, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे जाओ और आपको इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ के ऊपर सेट कर देना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को रिफ्रेश करता रहता है। रिफ्रेश होने के साथ आपका मोबाइल डेटा कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशंस को रिफ्रेश करेगा और आपके बैटरी को काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है, इसलिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को आपको ऑफ ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर बताती है अपने आईफोन को चार्ज करने के सही टिप्स के बारे में। कभी भी आपको अपने डिवाइस को 100% कंप्लीट चार्ज नहीं करना चाहिए हर बार,
क्योंकि जब आप 100% कंप्लीट चार्ज करोगे रोज़ के दिन, तो इसके साथ आपका जो डिवाइस है वो आपके साइकिल काउंट्स को इजीली काउंट कर लेता है और आपकी बैटरी हेल्थ दिनों दिन डिक्रीज होती जाती है। इसलिए आपको हर टाइम अपने डिवाइस को 100% चार्ज नहीं करना है, बस आपको 80% तक ही चार्ज करना चाहिए। एक आधा दिन ऐसा रखना चाहिए जब आपको अपने डिवाइस को 100% कंप्लीट चार्ज करना है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको डे टू डे रूटीन में परफॉर्म करनी है, जिसके साथ आप अपने डिवाइस को और भी बढ़िया तरीके से मेंटेन रख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।